मैं फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेक्कन सियासत। मैं भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि डीजे हल्ली केजे हल्ली के बारे में, इसके बारे में मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ, किसने किया, कौन इसके पीछे शामिल है, इन तमाम चीजें आप लोगों के सामने ऑलरेडी बहुत जो है मीडिया चैनलों ने आपके सामने बता चुके हैं। अब बात ये आती है कि अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, वो जो है पब्लिक बताएगी। पब्लिक को बहुत खूब जो है सच क्या है वो जानती जरूर है। जो है आजकल जो है अखंड श्रीनिवास मूर्ति जी जो है प्रेजेंट सिटिंग MLA, उनके बारे में एंशियंट टाइम्स ने कुछ जो है वीडियोस रिलीज किए थे अपने चैनल में, पावर टीवी ने किए थे, इनकलाब टीवी ने किए थे, न्यूज़पेपरों में भी उसके बारे में जो है आर्टिकल्स आए थे, और कुछ यूट्यूबर्स ने भी जो है अखंड श्रीनिवास मूर्ति के बारे में जो है बहुत खूब जो है चीज़ें जो है आवाम के सामने रखी थी। अब इन चीज़ों के बारे में हम जो है कोई भी मीडिया चैनल्स, चाहे वो यूट्यूबर खुद डेक्कन सियासत ही क्यों ना हो, इनके अगेंस्ट जो है अखंड श्रीनिवास मूर्ति जी के अगेंस्ट कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। इनके खिलाफ हम लोग कुछ भी एयर नहीं कर सकते, क्योंकि अखंड श्रीनिवास मूर्ति जी ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर लेके आए हैं। अब वो कोर्ट की स्टे ऑर्डर क्या है, ये मैं आप लोगों के सामने जो है डिस्प्ले करके बताता हूँ। और मैं पहले आवाम से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और खास कर इस वीडियो को खूब वायरल करिए, शेयर करना मत भूलिएगा। अब ये बात है कि यहाँ पे जो है इस बात को अगर देखा जाए, ये ऑर्डर की कॉपी आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, अखंड श्रीनिवास मूर्ति और गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, MS पावर स्मार्ट मीडिया OPC प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि पावर टीवी जो कनाडा का न्यूज चैनल है, एक जाना माना द एंशियंट टाइम्स न्यूज़पेपर और यूट्यूब चैनल है बेंगलुरु में, और आज का इनकलाब करके एक और एक जो है यूट्यूब चैनल है। ये चारों जो है लोगों के ऊपर, इसके अलावा भी मैं बहुत आपके सामने जो है कोर्ट का ऑर्डर पढ़ के सुनाता हूँ। यहाँ पे जो है 31 मार्च 2023 को कोर्ट के जानिब से इंजेक्शन ऑर्डर आया है, और इनका जो है अखंड श्रीनिवास मूर्ति जी के बारे में कोई भी न्यूज चैनल हो या कोई भी जो है यूट्यूबर हो, इनके बारे में कुछ भी खबर नहीं बोल सकता, इनके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता। ये जो है रोक लगाई गई है। अब पब्लिक, अभी इलेक्शन का समय आ रहा है, अब अगर पब्लिक कुछ बोलती है तो ये चैनल्स जो भी हैं, ये पब्लिक की आवाज जो है आवाम तक नहीं पहुंचा सकते। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो है फ्रीडम ऑफ मीडिया एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को जो है दबाया जा रहा है। अब ये चीजें जो है आगे हम बताते हैं, फिलहाल बस इतना है कि मैं भी, अगर ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ, ना ही मुझे, मेरा मकसद ये है कि किसी को कंडम करना या किसी को बदनाम करना या ना कुछ। लेकिन ये ऑर्डर की कॉपी आपके सामने मुझे बताना जरूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि मतलब गलत फहमी में हो कि एंशियंट टाइम्स या कोई चैनल जो है जब ये कोई जो है सच्चाई जब बताने के लिए आते हैं तो इनकी आवाज अगर दबाई जाती है तो पब्लिक इसका रिएक्शन क्या करे। फिलहाल आप देख सकते हैं, प्रेस्टो पास जजमेंट एंड डिक्री ऑफ परमानेंट इंजेक्शन रिस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट्स देयर मेन हेंचमैन सर्वेंट्स एजेंट्स पर्संस क्लेमिंग थ्रू और अंडर देम फ्रॉम ट्रांसमिटिंग होस्टिंग और स्ट्रीमिंग एनी वीडियो डॉक्यूमेंट्री स्निपेट्स ब्रेकिंग न्यूज न्यूज स्पेशल न्यूज स्क्रॉल पेड प्रमोशन एक्सेट्रा थ्रू इट्स टेलीविजन चैनल प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया और एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड अगेंस्ट प्लेंटिफ एंड एज पेड इन द प्लेंटिफ। यहाँ पे जो है ये कोर्ट का ऑर्डर आया है, प्रेस टू पास एन एक्सपार्टे एंड इंटरवेन ऑर्डर ऑफ TI टू रिस्ट्रेन द डिफेंडेंट नंबर 2 to 4 इट्स एजेंट्स एक्सेट्रा एनीबडी क्लेमिंग थ्रू अंडर देम फ्रॉम ट्रांसमिटिंग होस्टिंग और स्ट्रीमिंग एनी वीडियो डॉक्यूमेंट्री एक्सेट्रा थ्रू इट्स टेलीविजन चैनल प्रिंट मीडिया एक्सेट्रा डायरेक्ट टू डायरेक्ट मेथड अगेंस्ट द प्लेंटिफ एंड एज पेड इन IA। ये जो है कोर्ट से स्टे ऑर्डर आया है कि द एंशियंट टाइम्स हो या पावर टीवी जो कनाडा का न्यूज चैनल है, ये तमाम लोग जो है अभी अखंड श्रीनिवास मूर्ति के जी के बारे में कुछ भी जो है उनके
डॉक्यूमेंट्स हो या वीडियोस हो, कुछ भी जो है वो अपने चैनलों में जो है नहीं जो है एयर कर सकते, यानी कि पब्लिक को जो है वो कुछ भी जो है अखंडा श्रीनिवास मूर्ति जी के बारे में नहीं बता सकते। कोई बात नहीं, उनका नाम नहीं लेना चाहिए, नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन जो है सच्चाई तो बता सकते हैं, बिना नाम लिए भी बताया जा सकता है, वो अलग बात है। नाम नहीं लेना है, ठीक है, कोई बात नहीं, नाम नहीं लेंगे, नाम नहीं लेना है इनका, लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे जो है एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ फ्रीडम ऑफ मीडिया जो है इस चीजें को जो है दबाने की कोशिश की जा रही है। अब ये कोर्ट के जानिब से जो ऑर्डर आया है उसको हमें जो है कोर्ट के आदेश को हमें पालन करना जरूरी है, इसलिए हमें जो है कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक चलना पड़ेगा, हमें कोर्ट की तौहीन नहीं करनी है। लेकिन हाँ एक बात है कि ये जो चीज आ रही है इसका जवाब जो है पब्लिक जो है देना चाहिए, वोटिंग के जरिए हो या कहीं से भी देना है। पब्लिक जानती है कि सच क्या है, हम कुछ नहीं बोलेंगे कि सच क्या है, क्योंकि इस पे रोक टोक लगाई गई है कोर्ट की जानिब से, और कोर्ट को भी जो है जो अपील की गई है उसमें कुछ जो है मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। प्रेस टू पास एक्स पार्टे एंड इंटरिम ऑर्डर ऑफ टीआई टू रिस्ट्रेन द डिफेंडेंट्स नंबर वन इट्स एजेंट्स एक्सेट्रा और एनी बडी क्लेमिंग थ्रू और अंडर देम फ्रॉम ट्रांसमिटिंग और होस्टिंग और स्ट्रीमिंग एनी वीडियो डॉक्यूमेंट्री एक्सेट्रा और एनी डायरेक्ट द इनडायरेक्ट मेथड अगेंस्ट द प्लांटिफ एंड एज प्रेड इन IA। ये जो है यहाँ पे दिया गया है, ओवरऑल आप लोग देख सकते हैं, ये कोर्ट की ऑर्डर है। द प्लेंटिफ हैज फाइल्ड IA नंबर वन अंडर ऑर्डर रूल वन एंड टू रीराइट सेक्शन 151 ऑफ सीपीसी टू रिस्ट्रेन द डिफेंडेंट नंबर टू टू फोर और एजेंट्स फ्रॉम एयरिंग ट्रांसमिटिंग होस्टिंग स्ट्रीमिंग एनी वीडियो डॉक्यूमेंट्री स्निपेट्स ब्रेकिंग न्यूज स्पेशल न्यूज स्क्रॉल पेड प्रमोशन और ब्रॉडकास्टिंग और पब्लिशिंग और एक्सप्रेसिंग एनी इन एनी मैनर इन टेलीविजन चैनल प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी अदर मैटर मेकिंग एलिगेशन अगेंस्ट प्लांटिफ। मैं तो कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, मैं कोर्ट का ऑर्डर पढ़ रहा हूँ, फ्रेंकली प्लीज। असैसिनेशन कमिटिंग हिज कैरेक्टर असैसिनेशन क्रिएटिंग सार्कास्टिक न्यूज अपॉन हिम लेवलिंग एलिगेशंस एनी काइंड अगेंस्ट हिम डिफेमिंग और डैमेजिंग स्टेटमेंट्स और रेफरेंसेस सब्जेक्टिंग द प्लांटिफ इन एनी मैनर इंक्लूडिंग शोइंग द फुटेजेस एंड पिक्चर्स इन्वॉल्विंग और रेफरिंग टू द प्लांटिफ्स इन नेगेटिव स्पेक्ट्रम पेंडिंग डिस्पोजल ऑफ द सूट। तो ठीक है, वो तो सब जुडिस है, डीजे हल्ली और केजे हल्ली का जो केस है वो सब जुडिस है, उसके बारे में हम नहीं बोल सकते जब तक वो केस का फाइनल हियरिंग नहीं हो जाता। खैर उसका पब्लिक जो है जवाब दे देगी। द सेट एप्लीकेशन इज सपोर्टेड बाय द एफिडेविट ऑफ द प्लेंटिफ। द प्लेंटिफ हैज आल्सो फाइल्ड अनदर IA नंबर टू अंडर ऑर्डर रूल वन एंड टू सेक्शन 151 ऑफ CPC टू विस्टैंड द डिफेंडेंट नंबर वन और एजेंट्स फ्रॉम ट्रांसमिटिंग और होस्टिंग और स्ट्रीमिंग एनी वीडियो डॉक्यूमेंट्री स्निपेट्स ब्रेकिंग न्यूज न्यूज स्पेशल एक्सेट्रा एक्सेट्रा थ्रू YouTube.com सोशल मीडिया एनी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, यानी कि यूट्यूबर्स पे भी रोक लगाई गई है। ठीक है, कोई बात नहीं है, अभी कोर्ट का ऑर्डर है, हमें उसको पालन करना जरूरी है। एप्लीकेशन इज सपोर्टेड बाय द एफिडेविट प्रोड्यूस द एवेंट्स मेड इन द प्लांटिफ आर्ग्यूमेंट्स मेड इन एफिडेविट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज्ड अलोंग विद द प्लांटिफ दैट इज FIR चार्जशीट डॉक्यूमेंट प्रिंट कॉपी ऑफ ब्रॉडकास्टिंग मेड बाय पावर टीवी। पावर टीवी में कुछ जो है न्यूज आई थी, वो न्यूज जो है उन्होंने कुछ FIR की चार्जशीट कॉपी ये सब जो है डाउनलोडेड कॉपी सब डिस्प्ले किया था, वो सब ये नहीं करना है करके कोर्ट का ऑर्डर आया है। एज पर द प्लेंटिफ एमेंट्स मेड इन द प्लेंटिफ एंड एफिडेविट इट रिवील्स दैट द प्लेंटिफ इन प्रेजेंट MLA रिप्रेजेंटिंग पुलकेशी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी 159 फ्रॉम नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस इट इज फर्दर प्लीडेड इन द प्लेंट दैट इन द ईयर 2020 सर्टेन मिसक्रिएंट्स फोर्सिबली एंटर द डीजे हल्ली पोलिस स्टेशन एंड केजे हल्ली पोलिस स्टेशन एंड सेट इट ऑन फायर एंड इंडल्ज इन वायोलेशन वैंडलाइजम एंड रॉबरी इन द सेड इंसिडेंट। सम ऑफ द Miscreants have also trespassed into the house of plaintiff and set fire. In this regard, the police have registered a crime in 219/2020, and concerned police have conducted detailed investigation and filed a charge sheet against the accused shown in the charge sheet. ठीक है, वो तो sub judice है क्योंकि अभी कोर्ट का फैसला फाइनल नहीं आया है, कौन क्या है वो तमाम चीजें जो है आगे जरूर आएगी, फिलहाल उसके बारे में कोई भी एयर नहीं करना करके स्टे ऑर्डर आया।
Having background upset incident, the defendant number two, who is the private limited company, owns a television channel by name Power TV. Defendant number three claims to be the weekly newspaper, and defendant number four claims to be the newspaper and also television channel by name Inqilab TV. Now all the defendants together, joining together, having malafide intention to defame the name of the plaintiff, they're publishing a false news against the plaintiff that 5 lakh demand itta Akhanda and Pulakeshi Nagara Shasaka Akhanda Srinivas deal matukate. ये कुछ जो है न्यूज चैनलों ये टाइटल के नाम से जो है कुछ एयर किया था करके इनके ऊपर एलिगेशंस हैं। अब वो न्यूज तो डाली गई थी, उसमें क्या सच है वो झूठ है वो हम उसके बारे में नहीं बोल सकते। जो कोर्ट की ऑर्डर की कॉपी है मैं वो आपके सामने पढ़कर सुना रहा हूँ। इनफैक्ट वॉट एवर द ब्रॉडकास्टिंग मेड बाय द डिफेंडेंट्स आर ऑल फॉल्स एंड इट इज मेड विद अ पॉलिटिकल मोटिवेटेड। इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट द स्टेट ऑफ कर्नाटका इज शेड्यूल्ड फॉर असेंबली इलेक्शन ऑन 10/5/2023. Now the plaintiff is also intends to contest from Pulakeshi Nagar constituency and do such other political work as per the wish of the party. Further, the plaintiff has also produced a screenshot taken from the WhatsApp that DJ Halli and KJ Halli viewers Musalmano ka Saath Dhoka exclusive interview and one Maulana Shafiullah has also participated in debate in Inqilab TV and made false allegations against the plaintiff. अब ये जो है इसके बारे में मुझे कुछ सच्चाई नहीं मालूम है। ये तमाम चीजें जो है, खैर हकीकत क्या है वो आवाम जानती है, पब्लिक जानती है, आवाम इसका जवाब जो है देगी। फिलहाल जो है इंक्लूडिंग हमारा यूट्यूब चैनल डेक्कन सियासत इनडायरेक्टली जो है रोक लगाई है, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे भी नहीं। It is also contended that whatever the allegations made against the plaintiff is without verifying the truthness of the same, and also it is nothing but character assassination of the plaintiff. If such a thing is happened in future, the plaintiff may not be in a position to face the public, and his image in eye of the public will be come down. If it is continued to be down, the plaintiff being representative of the people, he is not in a position to tolerate such a false telecast against him. Therefore, pray to allow the application in support of the above the said arguments made in the petition. The counsel for the plaintiff has produced downloaded copy from the website as per the plaintiff amendments. It is the creation of the media people only with an intention to spoil the harmony along the local people and tarnish the local reputation of plaintiff with a false political motivation. According to the plaintiff, the false telecasting program was started by telecasting through the Power TV and then it was telecasted in other TV also. In fact, those news are concocted. Okay. Admittedly, the plaintiff is a present MLA representing Pulakeshi Nagar constituency. Whatever the broadcasting made by the Power TV by mentioning chapter 2, stating that the plaintiff is demanding bribe and he is having deal with others and conducting debate in Inqilab TV by taking the name of the plaintiff that he had received Musalmans is nothing but a spoiling of harmony among the community. Even conducting debate in the TV by taking the name of the plaintiff is also not permissible in the eye of law without verifying the truthness of the same. According to the plaintiff, the person shown in the Power TV is not of him and the same is created to tarnish the image of the plaintiffs. No doubt the defendants are having right of freedom of speech and expression, but it is not the absolute right and it is having some reasonable restrictions. Furthermore, the plaintiff contended that to avoid the plaintiff to contest in forthcoming elections, such a false news has to be floated against him, has been floated against him. The learned counsel appearing to the plaintiff has pressed into the following rulings. तो यहाँ पे कुछ evidences जो है दूसरे references जो है दिए गए हैं। तो order जो है simple है, the defendants number 2 to 4 are hereby temporarily restraining from having or broadcasting or publishing or expressing any defaming opinion against the plaintiff in the news channels, public media, and also conducting any panel discussions in any manner till next date of hearing. Next date of hearing तक इसमें रोक लगाई गई है। And number 2, ruled by the plaintiff under section 39, rule 1 and 2 or section is hereby allowed. The defendant number 1 is hereby temporarily restraining from airing or broadcasting or publishing or expressing any defaming
Metavi opinion against the plaintiff in youtube.com in the news channels, public media, and also conducting any panel discussion in any manner till next date of hearing. The plaintiff is hereby directed to comply order 39 rule 3A of CPC on IA number 1 and 2. The plaintiff is furnished sufficient PF copies of plant copies of IA and other documents, then only office is directed to issue certified copy of the order sheet. If the said things are not compiled, ex parte order granted to the plaintiffs automatically stands cancelled. Issue suit summons and orders on IA number 1 and 2 to the defendants, returnable by 16/6/2023. So, ye hai court ki order. To जो है ये जस्ट पब्लिक की अवेयरनेस के लिए बनाया गया है। यहाँ पे जो है कोर्ट भी ये कह रही है कि जो है ये बात है कि इसका मतलब ये नहीं है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो अलग अलग अंदाज में जो है कोर्ट है वो कोर्ट कानून देखेगा आगे क्या करना है। फिलहाल जो है इलेक्शन का दौर है, हमें क्या करना है, हमें कौन सी चीज़ों पर फोकस करना है, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे। फिलहाल अखंडा श्रीनिवास मूर्ति जी का नाम हमें चैनलों में नहीं लेना चाहिए। बस इतना कहते हुए मैं जो है इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। आवाम भी जो है ये जो है वीडियो जो है इसको एक अवेयरनेस के तौर पर ले फिलहाल, क्योंकि इसकी कोर्ट इजाज़त नहीं देता। इसकी इसमें कोई भी हम नेगेटिव पब्लिसिटी या इनफैक्ट यहाँ पे ये भी कहा जाए इनफैक्ट पॉजिटिव पब्लिसिटी भी इनके बारे में नहीं कर सकते, ना नेगेटिव कर सकते ना पॉजिटिव कर सकते हैं। खैर वो बात अलग है, लेकिन हाँ पब्लिक को जो सही लगे वही करे। पब्लिक को अगर लगता है कि जिसको वोट देना है वो दे सकती है, वो उसके बारे में हम नहीं बताएंगे। खैर फिलहाल आपसे इजाजत मांगता हूँ, दुआ में याद रखिए, इस वीडियो को खूब वायरल करें और साथ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल डेक्कन सियासत को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आपका फरहान रशीद, शुक्रिया।